जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम समझ ही नहीं पाते कि किस तरह से उस परिस्थिति का सामना करना है, और परिस्थिति के कारण उत्पन्न जो स्थिति है वो स्वयं में इतनी उलझी होती है कि अगर हम सूझबूझ और दूरदृष्टि का सहारा ना लें तो हमारा फैसला, हमारा निर्णय गलत होने की पूरी आशंका होती है। और प्रीति, कई बार छोटी छोटी बातें हमें गहरे तक प्रभावित करती हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर बेहतर तो ये है कि हम शांति और धैर्य से उस परिस्थिति का विश्लेषण करें और उस स्थिति के पक्ष विपक्ष दोनों के बारे में सोचें, क्योंकि प्रत्येक स्थिति के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। बिल्कुल, यानी हमें परिस्थिति के गुण दोष के आधार पर फैसला लेना चाहिए, ना कि घबराकर और जल्दबाजी में कोई कदम उठाना चाहिए जिससे हमारे पक्ष में होने वाली बात का भी कहीं विपरीत असर ना हो जाए। सबसे बड़ी बात है कि हमें किसी भी विपरीत स्थिति में धैर्य, सहनशीलता और शांति से निर्णय लेने की आदत डालनी चाहिए, और अगर ऐसा हुआ तो हम जीवन में जरूर सफल होंगे। हेलो इंडिया, मैं हूँ प्रीति। और मैं हूँ प्रतिबिंब शर्मा। और शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे से जुड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल उत्तराखंड के केदारनाथ का दौरा किया। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदि शंकराचार्य समाधि का उद्घाटन किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। 2013 की बाढ़ में विनाश के बाद आदि शंकराचार्य की समाधि का पुनर्निर्माण किया गया है। बाबा केदार की धरती से उत्तराखंड को विकास परियोजनाओं की सौगात देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश अपने लिए बड़े लक्ष्य तय करता है। सिर्फ समय नहीं, समय की सीमा भी हम निर्धारित करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि इतने कम समय में ये सब कैसे होगा। कभी कभी लोग ये भी कहते हैं, अरे यार होगा भी कि नहीं होगा। और तब मेरे भीतर से एक ही आवाज आती है, 130 करोड़ देशवासियों की आवाज मुझे सुनाई देती है और मेरे मुंह से यही निकलता है, एक ही बात निकलती है, समय के दायरे में बंधकर भयभीत होना अब भारत को मंजूर नहीं है। उत्तराखंड सरकार के विकास कार्यों की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का है। चारों धाम हाईवे से जुड़ रहे हैं। भविष्य में यहां केदारनाथ जी तक श्रद्धालु केवल कार के जरिए आ सके, इससे जुड़ी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। यहां पास में हो पवित्र हेमकुंड साहब जी हैं, हेमकुंड साहब जी के दर्शन आसान हो इसके लिए वहां भी रोपवे बनाने की दिशा में काम तैयारियां चल रही हैं। इसके अलावा ऋषिकेश और कर्णप्रयाग को रेल से भी जोड़ने का प्रयास हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जिस तरह अनुशासन दिखाया वो सराहनीय है। पहाड़ों से परिचित है ना, उनको पता है कि काम आसान नहीं होता है। घंटों घंटों तक पहाड़ की चोटियों पर जाकर के दो या पांच परिवार को वैक्सीनेशन दे करके रात रात चल करके घर पहुंचना होता है, कष्ट कितना होता है मैं अंदाज लगा सकता हूं। उसके बाद भी उत्तराखंड ने काम किया है। क्यों? उत्तराखंड के एक एक नागरिक की जिंदगी बचानी है, और इसके लिए मुख्यमंत्री जी आपको आपकी टीम को मैं बधाई देता हूँ। केदारनाथ में पुनर्निर्माण का कार्य प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में किया गया है। उन्होंने इस परियोजना की प्रगति की लगातार समीक्षा और निगरानी की है। बुनियादी ढांचे से जुड़ी जो परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, उनमें सरस्वती आस्था पथ और घाट के इर्द गिर्द सुरक्षा की दीवार, मंदाकिनी आस्था पथ के आसपास सुरक्षा की दीवार, तीर्थ पुरोहित गृह और मंदाकिनी नदी पर गरुड़ चट्टी पुल शामिल हैं। इन परियोजनाओं को 130 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पूरा किया गया है।
प्रधानमंत्री ने संगम घाट के पुनर्विकास, प्राथमिक चिकित्सा और पर्यटन सुविधा केंद्र, प्रशासनिक कार्यालय और अस्पताल, दो अतिथि गृह, पुलिस स्टेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, रेन शेल्टर और सरस्वती नागरिक सुविधा भवन समेत 180 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। प्रधानमंत्री ने केदारनाथ में कई बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया, शिलान्यास भी किया, साथ ही साथ केदारनाथ के विकास कार्यों की समीक्षा भी की। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पूजा अर्चना की, शीश झुकाया, ध्यान लगाया। उन्होंने गर्भगृह में पूजा कर मंदिर परिसर की परिक्रमा की। भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करने के बाद प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ अनुभव इतने अलौकिक, इतने अनंत होते हैं कि उन्हें शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जय बाबा केदार, अभिगत अकथ अपार, अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह, नेति नेति नित निगम कह। अर्थात कुछ अनुभव इतने अलौकिक, इतने अनंत होते हैं कि उन्हें शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री ने आदि शंकराचार्य का जिक्र करते हुए कहा कि उनका पूरा जीवन जितना असाधारण था, उतना ही जन साधारण के कल्याण के लिए वो समर्पित रहे। बाल उम्र से ही शास्त्रों का, ज्ञान का, विज्ञान का निरंतर चिंतन, और जिस उम्र में एक साधारण मानवी साधारण रूप से संसार की बातों को थोड़ा देखना समझना शुरू करता है, थोड़ी जागृति का प्रारंभ होता है, उस उम्र में वो वेदांत की गहराई को उसके गुढ़ार्थ को सांगो पांग विवोचन, उसकी व्याख्या अविरत रूप से किया करते थे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में दूसरे धार्मिक स्थानों का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब हमारी सांस्कृतिक विरासतों को, आस्था के केंद्रों को उसी गौरव भाव से देखा जा रहा है जैसा देखा जाना चाहिए। आदि शंकराचार्य की विरासत को, इस चिंतन का आज देश अपने लिए एक प्रेरणा के रूप में देखता है। अब हमारी संस्कृति के, हमारी इस विरासत को, आस्था के केंद्रों को इसी गौरव भाव से देखा जा रहा है जैसा देखा जाना चाहिए था। आज अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर पूरे गौरव के साथ बन रहा है। प्रधानमंत्री ने आदि शंकराचार्य समाधि का उद्घाटन किया और आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री ने करीब 400 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी 5वीं बार केदारनाथ पहुंचे हैं। केदारनाथ धाम यात्रा और आदि शंकराचार्य की मूर्ति के अनावरण के अवसर पर मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर और खंडवा के ओंकारेश्वर मंदिर समेत देश में 12 ज्योतिर्लिंगों, 4 धामों सहित आस्था के कई अन्य स्थानों पर विशेष पूजा अर्चना की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। हमारे देश में कई स्थानों पर ऐसे उत्पाद बनाए जाते हैं जो उस जगह की विशेषता बन जाते हैं। ऐसे ही विशेष खिलौने की आज कर रहे हैं बात। आजकल प्लास्टिक खिलौने को देख रहे हैं कि बहुत चलन जोर पर है, लेकिन देश में लकड़ी के बने
खिलौने का अपना ही एक इतिहास है और परंपरा है। बिल्कुल, ऐसे बहुत कम खिलौने हैं जिनका इतिहास 300 साल पुराना हो। कर्नाटक के एक शहर चन्नापटना में लकड़ी से खिलौने बनाए जाते हैं, और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि यूरोप और अमेरिका में भी इन खिलौनों का निर्यात किया जाता है। आइए जानते हैं चन्नापटना खिलौनों के बारे में। चन्नापटना खिलौने एक प्रकार की लकड़ी के पुराने खिलौने होते हैं। ये खिलौने हल्के और कठोर होते हैं। पुराने जमाने में इन खिलौनों को आइवरी वुड से बनाकर इन पर पॉलिश की जाती थी। मौजूदा दौर में इन खिलौनों का निर्माण सागौन, गूलर, देवदार, रबर वुड और पाइन वुड आदि की लकड़ियों से किया जाता है। इन खिलौनों को GI टैग मिला हुआ है और इनका पुनर्चक्रण भी किया जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन खिलौनों को बनाने में थोड़ी सी भी लकड़ी बर्बाद नहीं होती है, और बची हुई लकड़ी को अन्य खिलौने बनाने में या हवन सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि यूरोप और अमेरिका में भी इन खिलौनों का निर्यात किया जाता है। चन्नापटना खिलौनों को कर्नाटक के चन्नापटना शहर में बनाया जाता है। इस शहर को कर्नाटक का खिलौना शहर भी कहा जाता है। इस शहर के निवासियों की जीविका का मुख्य स्रोत यहाँ के खिलौने ही हैं। चन्नापटना खिलौनों का संबंध टीपू सुल्तान के शासन से है। ऐसा कहा जाता है कि सुल्तान को फारस से एक लकड़ी का खिलौना भेंट के रूप में मिला था। भेंट में मिले इस उपहार से सुल्तान इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने फारस से कारीगरों को बुलवाकर अपने यहाँ के कारीगरों को ये कला सिखवाई। जो कारीगर इन खिलौनों को बनाना सीख गए वो चन्नापटना में ही रहकर खिलौने बनाने लगे। साल 2015 में गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्नाटक में एक झांकी के दौरान इन खिलौनों को दिखाया गया था। बेस्ट झांकी के पुरस्कार में इस झांकी को तीसरा स्थान मिला था। साल 2020 में सितंबर महीने में अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन खिलौनों का जिक्र कर चुके हैं। लोकल खिलौनों की बहुत समृद्ध परंपरा है। कई प्रतिभाशाली और कुशल कारीगर हैं जो अच्छे खिलौने बनाने में महारत रखते हैं, जैसे कर्नाटक के रामनगरम में चन्नापटना, आंध्र प्रदेश के कृष्णा में कोंडापल्ली, तमिलनाडु में तेंजोर, असम में धुबरी, उत्तर प्रदेश का वाराणसी, कई ऐसे स्थान हैं। अब सभी के लिए लोकल खिलौनों के लिए वोकल होने का समय है। और आइए अब हम अपने खास सेगमेंट की तरफ रुख करते हैं। हमारा खास सेगमेंट है खास सुबह। इस सेगमेंट में हम आपको दिखाते हैं ऐसी सेलिब्रिटीज की खास सुबह और बताते हैं आपको कि आखिर वो अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, क्योंकि तमाम प्रतिबिंब सेलिब्रिटीज हैं यानी जिनके तमाम फॉलोअर्स हैं, वो जरूर लोग जो हैं वो जानने में इंटरेस्टेड होते हैं कि आखिर इनकी सुबह कैसी होती है। वो इसलिए भी कि उनकी तरह बनना चाहते हैं। बिल्कुल। और आज आपको मिलाते हैं मशहूर अदाकारा, मथुरा से सांसद और सबकी चहेती हेमा मालिनी से, और खुद उनकी जुबानी सुनते हैं कि कैसे वो करती हैं अपने दिन की शुरुआत। मैं हमेशा ही योगा सुबह करती हूँ, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, उसके बाद थोड़ा हीलिंग देती हूँ, हीलिंग भी से तैयारी रेखी हीलिंग, तो वो भी मैं कर लेती हूँ। देन आफ्टर माय बाथ एंड पूजा हवन जरूर करती हूँ। मैं हवन अभी नहीं कर रही हूँ, बहुत कई सालों से मुझे हमारे गुरु ने बताया है कि हवन करना चाहिए, तो बहुत वातावरण में शुद्धिकरण हो जाता है, एटमॉस्फेयर गेट्स क्लेंस्ड कम्प्लीटली द होल हाउस, नॉट ओनली वातावरण बट आजू बाजू के लोग, एक अच्छा सा एक पारिवारिक संबंध अपने लोगों के साथ वो भी होता है।
इसके लिए मैं करती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। देन उसके बाद आई डू माई वर्कआउट, मेरा एक्सरसाइज टीचर जो है ऑनलाइन में करती हूँ। देन लॉट ऑफ एक्सरसाइज आई डू, तो ऑलमोस्ट फॉर एन आवर आई डू एवरी डे लॉट ऑफ वर्कआउट विथ वेट्स वगैरह के साथ, पाँव के लिए, हाथ के लिए, बॉडी चेस्ट पॉइस्चर के लिए सब। जब समय मिलता है उसके बाद शाम को तो मैं डांस प्रैक्टिस भी करती हूँ और म्यूजिक भी सीखने का अवसर मिला है। वैसे प्रीति, हेमा मालिनी जी का पूरा जीवन ही फिट कैसे रहा जाए उसका एक जीवंत उदाहरण है। बिल्कुल, और हमारे दर्शकों ने भी इस बारे में कहा है कि वो हेमा मालिनी से जुड़े और तमाम और खास शख्सियत हैं उनसे जुड़े रूटीन को वो जानना और देखना समझना चाहते हैं, इसलिए हम ये सेगमेंट लेकर आए। इसी के साथ अभी हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार होगा आज का इतिहास। आप बने रहिए हमारे साथ। सटीक लक्ष्य, अटूट हौसले, निस्वार्थ कर्म, जनहित सर्वोपरि, नायक नए भारत के, कहानियां बदलाव की। ये भी नायक सिर्फ संसद टीवी पर। संसदीय संवाद की परंपरा पर आधारित कार्यक्रम सार्थक संवाद में इस बार महिला सशक्तिकरण और अधिकारों की करेंगे बात। मुझे इस संबंध में कुछ भी संदेह नहीं है कि नियम बनाने की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति इस ओर ध्यान देंगे कि अंतरकालीन संसद में कुछ महिला सदस्य और विभिन्न दलों के भी सदस्य आए। अगर हम समझते हैं कि केवल कानून पास करने से महिलाओं की वाहवाही मिल जाएगी, समाज सुधारक का बिल्ला लग जाएगा, चुनाव में लाभ होगा, तो समाज का सुधार नहीं होगा। आम तौर पर ये बात उठाई जाती है जहां महिला विंग अलग अलग पार्टियों के हैं। मुझे मालूम है, हर जगह कहते हैं कि साहब कुछ महिलाओं को मौका दीजिए, अच्छी हैं, मगर पुरुष हैं जब मिलकर निर्णय करते हैं तो कह देते हैं भाई योग्य महिला नहीं है, जीत नहीं सकती। अपने को जीतना ज्यादा जरूरी है, इसलिए बहुत कम महिलाएं आती हैं। हमारे देश में ये पहली सरकार ऐसी है जिसमें इतनी बड़ी मात्रा में महिला मंत्रियों का प्रतिनिधित्व है, क्योंकि मेरा कन्विक्शन है कि उनको अगर अवसर मिले तो वो बहुत उत्तम परिणाम दे सकते हैं, और आज हम अनुभव भी कर रहे हैं कि परिणाम देते हैं। Children can get different types of diabetes, but almost majority of them, like 90% of them, have what is called as type 1 diabetes mellitus. Diabetes in a child redefines life for the entire family. Join us in this episode to learn more about it. Diabetes in children is a very important but neglected area. To know more about how to diagnose and manage diabetes in children, join us on The Sweet Child, Diabetes in Children, only on Sunset TV. हेलो इंडिया, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है, और अब बात आज के इतिहास की। बिल्कुल, आइए जानते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में, और आपको बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में 6 नवंबर के नाम क्या खास घटनाएं दर्ज हैं। 6 नवंबर वर्ष 1861 में जेम्स नेस्मिथ का जन्म कनाडा में हुआ। जेम्स शारीरिक शिक्षा विषय के टीचर थे, वे एक स्पोर्ट्स कोच थे जिन्होंने सर्वप्रथम बास्केटबॉल खेल की शुरुआत की। एक बार उन्हें बच्चों के लिए किसी इंडोर गेम को तैयार करने का टास्क मिला था, ऐसा इसलिए जिससे कि कनाडा के भीषण ठंड में बच्चों को खेलने के लिए बाहर न जाना पड़े। तब जेम्स ने बास्केटबॉल की रचना की और उसके 13 मुख्य नियम बनाए।
वर्ष 1936 के बर्लिन ओलंपिक में बास्केटबॉल को ऑफिशियल इवेंट के तौर पर मान्यता दी गई। 6 नवंबर वर्ष 1913 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी और अंग्रेजी दमनकारी नीतियों के खिलाफ एक मार्च का नेतृत्व किया। इस मार्च को द ग्रेट मार्च कहा गया। करीब 2000 खदान कर्मियों ने इस मार्च में भाग लिया। अंग्रेजों ने वर्ष 1906 में भारतीयों के पंजीकरण के लिए दक्षिण अफ्रीका में अपमानजनक अध्यादेश लागू किया था। अंत में अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा और एक समझौते के बाद भारतीय राहत बिल पास हुआ। 6 नवंबर वर्ष 2001 में युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की गई। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिन को मनाने का फैसला लिया गया। युद्ध के दौरान पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है। पर्यावरण अक्सर युद्ध का असंगठित शिकार बनता रहा है, जिनमें पानी के कुएं प्रदूषित होना, फसलों का जलना, जंगलों की कटाई, मिट्टी का नाश और सैन्य फायदे के लिए जानवरों की हत्या कर दी जाती है। इन सब की रोकथाम के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाने की जरूरत समझी गई। प्रतिबिंब, हमने आज के इतिहास को जाना समझा और इतिहास की जब हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि भारत भी इसमें कितना समृद्ध है इतिहास को लेकर, और हर जगह की अपनी परंपराएं और अपना इतिहास है और त्योहारों का फिलहाल प्रतिबिंब मौसम भी है। जी जी। तो क्यों ना आज आपको एक राज्य के खास पर्व के इतिहास के बारे में उससे जुड़ा थोड़ा सा और विस्तार आपको बताया जाए। आइए आज जानते हैं असम के एक महत्वपूर्ण त्यौहार बिहू के बारे में। इस त्यौहार के साथ असम में नए साल की शुरुआत मानी जाती है और ये पर्व मुख्य रूप से किसान वर्ग को समर्पित है, इसलिए इस त्यौहार को फसलों का त्यौहार भी कहा जाता है। असम में एक साल में 3 बार बिहू पर्व मनाया जाता है, बोहाग यानी बैसाख, माघ और कार्तिक के महीने में। ये त्यौहार मस्ती के साथ साथ जो है श्रद्धा के साथ मनाया जाता है, बिना जात धर्म और विश्वास के भेद के साथ। बिहू भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का एक खास त्योहार। असम में साल में 3 बार बिहू का पर्व मनाया जाता है, जो 3 ऋतुओं का प्रतीक है। पहला बिहू, जिसे बोहाग बिहू कहते हैं, बैसाख में मनाया जाता है। असम में बोहाग नववर्ष का प्रारंभ और कृषि सीजन की शुरुआत को दर्शाता है। ये असम का मुख्य पर्व है। वहीं माघ बिहू की शुरुआत मकर संक्रांति से होती है। इसके बाद आता है कार्तिक बिहू, जो यह कार्तिक यानी अक्टूबर के माह में पड़ता है। इन दिनों असम में काती बिहू मनाया जा रहा है। क्योंकि धान असम की प्रधान फसल है, इसलिए धान लगाने के बाद जब फसल में अन्न लगना शुरू होता है, उस समय नए तरह के कीड़े फसल को नष्ट कर देते हैं। इससे बचने के लिए कार्तिक महीने की संक्रांति के दिन शुरू होता है काती बिहू। काती बिहू को असमिया लोग लक्ष्मी पूजा का दिन मानते हैं। इस दिन सुबह सवेरे लोग पूजा अर्चना करते हैं, अपने अपने आंगन में तुलसी का पौधा रोपते हैं, फिर सभी मिलकर जलपान करते हैं, जिसमें दही चूड़ा और गुड़ के साथ ही नारियल के लड्डू और तिल पीठा बरपीठा शामिल होता है। शाम को घर के आंगन में दिया जलाकर आसपास के बच्चों को प्रसाद दिया जाता है, जिसके बाद खेतों में दिया जलाने का रिवाज है। कई जगहों पर ये गांव का सामूहिक आयोजन भी होता है, जिसमें ऊंचे बांस के ऊपर केले के तने से बने सांचे के ऊपर दिए रखकर खेतों के इर्द गिर्द जलाए जाते हैं। काती बिहू के दिन किसान के खलियान खाली रहते हैं, इसलिए ये महाभोज या उल्लास का पर्व ना होकर प्रार्थना और ध्यान का दिन होता है। देखा जाए तो रंगाली और भोगाली बिहू की तरह धूम भले ही काती बिहू में ना हो, लेकिन सादगी भरे इस अनूठे लोक पर्व का
अपना सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक महत्व है। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो गया है इजाजत लेने का, और जाते जाते आज हम आपको छोड़ जाएंगे मैथिली ठाकुर जो कि बिहार की लोक गायिका हैं, उनके संगीत की धुनों के साथ। तो उनके गीत संगीत का आप आनंद लीजिए, और फिलहाल मुझे और प्रतिबिंब को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूँ मैथिली। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। मैं बहुत छोटी थी, बाबा के साथ मेरा बैठना उठना बहुत ज़्यादा होता था। बोलते थे सीताराम सीताराम 108 बार बोलो, तो यही सब हम लोग करते थे। और ऐसे करते करते फिर भजन वगैरह भी वहाँ पे हमारे गांव में खूब दलान पे कीर्तन होता था। तो इस सब में इतना पार्टिसिपेट करते करते वो सभी चीज़ें कहीं ना कहीं दिमाग में बैठने लगी, और वो जो भजन है वो याद होने लग गए। हमरा राजा जनक जी के धिया, जिन कर नाम बाटे सिया। हमरा दिल्ली आई तब मैं 7 साल की थी, और सीखने की प्रक्रिया में अभी भी हूँ उस, लेकिन उस समय बहुत विग्रेसली सीख रही थी, क्योंकि हम लोग का जो प्राइमरी एजुकेशन है वो काफ़ी लेट शुरू हुआ। हमने डायरेक्टली 6 में ही एडमिशन लिया, और उसके बाद से स्कूल जाना शुरू किया। तो वो जो समय था उसमें हम लोग खूब प्रैक्टिस करते थे, और पापा जो जो बोलते थे वैसे वैसे हम करके पापा को सुनाते थे। पब्लिक रिकॉग्निशन की बात कही जाए तो वो 2015 से थोड़ा थोड़ा शुरू होने लगा। उस समय मैं एक रियलिटी शो में गई थी, इंडियन आइडल जूनियर, और वहाँ पे मैं टॉप 30 में ही आके एलिमिनेट हो गई थी। तो धीरे धीरे करके हमें पता चलने लगा कि क्या क्या गलतियाँ हैं हमारी, तो मैं उस पर भी मैंने ध्यान देना शुरू किया। उसके बाद मैं अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेने लगी, तो थोड़ा बहुत मुश्किल था लेकिन मैंने उसे ज़्यादा हावी नहीं होने दिया। मैं धीरे धीरे करके रमने की कोशिश करती गई। मेरी प्रायोरिटी हमेशा से ही फोक म्यूज़िक रही है, और मुझे लगता है कि इसमें मुझे खुशी मिलता है। बॉलीवुड के लिए भी काफ़ी सारे ऑफर्स आए थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये जो शब्द हैं या तो ये जो चीज़ है ये अभी मेरे लिए नहीं है। तो जब मुझे ऐसा लगेगा कि कुछ ऐसी अच्छी चीज़ है जो मैं गा सकती हूँ, जो मुझ पर सूट करे, और तब मैं बिल्कुल श्योर कभी आगे मैं अपना खुद का भी एल्बम रिलीज़ करूँ। अभी पिछले साल मैंने कुछ उत्तराखंड के लोगों के लिए एक कुमाऊनी गीत गाया था।